I am CA Omesh I am starting my channel again and will provide you guys all the latest amendment notification of GST on this channel as soon as possible. Whenever any notification will come, today we will be discussing about easy way of filing nil GSTR three B through SMS. Government has launched a facility in which people can file nil GSTR return through SMS rather than filing it through portal. Ye आठ जून 2020 को गवर्नमेंट ने एक नोटि प्रेस रिलीज निकाली है जिसमें आप निल जे सी आर थ्री बी एस एम एस के थ्रू फाइल कर सकते हैं रायदन पोर्टल फॉर दिस पर्पज़ आपको एक मैसेज सेंड करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो मोबाइल नंबर आपका जे सी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है मैसेज होगा निल स्पेस यू डोंट हैव टू राइट स्पेस यू हैव टू एंटर स्पेस निल एंटर स्पेस थ्री बी एंटर स्पेस जे सी एन स्पेस टेक्स पीरियड in this text period will be in the format of mm month followed by year here you can see then you have to send this sms to 14409 this is the number on which you have to send the message after that you will receive a code the code will be valid for 30 minutes only जो भी कोड आप रिसीव करेंगे उस कोड को आपको दोबारा सी एन एफ स्पेस थ्री बी स्पेस कोड वन डबल फोर जीरो नाइन पे सेंड करना है वो कोड आप नहीं रिसीव करेंगे अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे एलिजिबल से मतलब है इफ आप स्टार्ट कर चुके हैं उस पीरियड की रिटर्न को फाइल करना थ्रू जीएसटीआर पोर्टल और कुछ डेटा वहां पे सेव्ड है या फिर आप उसको फाइल कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फाइल करने के अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको एक कोड रिसीव होगा उस कोड को इस फॉर्मेट में आपको सेंड करना है पे अगर आप अपने रिटर्न का स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं आफ्टर फाइलिंग तो आप सर्विसेज रिटर्न्स ट्रैक रिटर्न स्टेटस में जाके जीएसटीआर पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस फाइल हुआ है या नहीं ए आर एन जनरेट हुआ है या नहीं अगर आपको कोई इश्यू है कैसे फाइलिंग करनी है तो आप हेल्प स्पेस थ्री बी इसको भी वन डबल फोर जीरो नाइन पे सेंड करेंगे तो

कोई रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए कोई इनपुट टैक्स रेट आप नहीं लेना चाहते हैं और कोई भी लाइबिलिटी प्रीवियस टैक्स पीरियड की आपकी पेंडिंग नहीं है पे करने वाली तभी आप करंट टैक्स पीरियड की जीएससीआर थ्री बी फाइल कर पाएंगे थ्रू एस एम कोई पेंडिंग टैक्स लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए इंटरेस्ट लेट फी भी नहीं सारी थ्री बी प्रीवियस टेक्स पीरियड्स की ऑलरेडी फाइल्ड होनी चाहिए विद ऑल द टैक्स लाइबिलिटी ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कोई भी सेव्ड स्टेज में जीएसटीआर थ्री भी नहीं होनी चाहिए जीएसटी पोर्टल पे सेम मंथ की आप फर्स्ट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ के बाद कभी भी इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं अगर आपको कोई एफ वगैरह चेक करने हैं तो इसी के नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपको एफ मिल जाएंगे थैंक्स गाइस मैं आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स अमेंडमेंट्स जल्द से जल्द प्रोवाइड कराता रहूंगा थैंक यू सो मच